हेलो फ्रेंड्स, मैं रेकिया फिडी है। मर्सन में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो अपडेट देखने को मिलेगा। एक तो हो गया एसएससी की जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, कैसे और कहां से चेक करना है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। उसी के साथ एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस एसआई की जो पोस्ट है उसका जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर क्या आ चुका है वो भी आप चेक कर सकते हो। कहाँ पे और कैसे चेक करना है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे से जरूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो गाइस, दोनों अपडेट लेने के लिए अभी हम चुके हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com। यहाँ पे आप लोगों को सभी जॉब की जानकारी, अप्लाई लिंक, रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट के सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एसएससी के एमटीएस का जो पोस्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है। तो चेक कैसे करना है तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको अभी। यहाँ पे अगर आपके पास टेलीग्राम का ऐप है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो 1558 पोस्टों के लिए अप्लाई हुआ था। यहाँ पे एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट था। अगर आपने भी इसके लिए एग्जाम देके रखा हुआ है तो अभी के टाइम पे आप इसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ का लिंक भी मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ का लिंक भी मिल जाएगा, उसी के साथ रिजल्ट का लिंक भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते दोस्तों डायरेक्ट जो है एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 90 पेज का ये पीडीएफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 90 पेज का पीडीएफ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार की पोस्ट का। तो यहाँ पे चेक करना है, आप अपने नाम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका नाम रहेगा तो आप जो है क्वालिफाइड हो, ठीक है। चेक कर सकते हो एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट या हवलदार की जो रिजल्ट है आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो, यहाँ पे कट ऑफ पे क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों और एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे थोड़ा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते आप जो है स्टेट के हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट के हिसाब से मतलब कट ऑफ कितना गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि और एक अपडेट देने वाला हूँ, यानी कि एक वीडियो के अंदर आप लोगों को दो अपडेट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे और एक अपडेट जो है वो एंसर की बारे में। तो यहाँ पे हमें एंसर की का सेक्शन में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एसएससी सीपीओ बोला जाता है जो कि दिल्ली पुलिस एसआई का पोस्ट है, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, अभी के टाइम पे एंसर किया चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। पोस्ट जो है वहाँ पे आप देख सकते हो 1876 पोस्टों के लिए एग्जाम हुआ था, उसका एंसर की अभी डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पेपर वन फाइनल आंसर की। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है जो आपने अप्लाई करते थे दिया था उसको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे जब लॉग इन पे क्लिक करोगे इस जगह पे एक क्लिक हेयर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते दोस्तों आपका जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ की फॉर्मेट में आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को दोनों अपडेट मिल गया होगा, दोनों का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com विजिट करके भी आप जो है इसका रिजल्ट एंड आंसर की देख सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।